आसमान में उड़ती किसी अज्ञात वस्तु को UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इनका आकार किसी डिस्क या तश्तरी के समान होता है। कई चश्मदीद के अनुसार UFO को जब भी देखा गया तब उनके साथ तेज प्रकाश भी देखा गया। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि जल्द ही एलियंस से हमारी मुलाकात होगी। कई बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि एलियंस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जिन्हें जल्दी ही खोज लिया जाएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1920 के दशक में अचानक से UFO को देखे जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। लोगों को कई बार आसमान में चमकदार उड़न तश्तरी नजर आईं। वैसे तो पुराने समय से ही आसमान में UFO देखे जाने की बात कही जाती है। 40 के दशक में ये माना गया कि उड़न तश्तरी जैसी चीजें सोवियत संघ की हैं। ये उनके खास आकार वाले विमान हैं जो दुनिया भर में नजर आते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि इनका संबंध हकीकत में पृथ्वी से नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह के लोगों से हो सकता है। साल 1948 में अमेरिकी वायुसेना ने इन पर नजर रखने के लिए एक विंग ही बना दी। 50 साल से भी ज्यादा समय तक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 इनकी पड़ताल करती रही, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में कब कब UFO को देखे जाने का दावा किया गया। जर्मनी 1561। UFO जैसी चीज को देखे जाने का सबसे पहले दावा जर्मनी ने किया। दुनिया में ये ऐसा पहला देश था जिसने ऐसी किसी चीज को देखा था। जर्मनी के नूरेमबर्ग में अप्रैल 1561 को लोगों ने आसमान में कुछ विचित्र देखा। उन्होंने बड़े ग्लोब्स, विशालकाय क्रॉस और अजीबोगरीब प्लेट जैसी किसी चीज को देखे जाने का दावा किया। उस समय के चित्रों और लकड़ी की कटिंग से इस घटना की जानकारी मिलती है। टेक्सस 1897। 1897 में आसमान में एक स्पेसक्राफ्ट को देखा गया जिसका आकार सिगार के जैसा था, जो एक विंडमिल से जा टकराई, जिससे बहुत बड़ा हादसा हुआ। इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि मलबे से एक एलियन के शव को निकाला गया और किसी अनजान जगह पर दफना दिया गया। रोसवेल, जुलाई 1947। एलियंस की असली कहानी इसी जगह से शुरू होती है। अमेरिका के रोसवेल में एक शख्स को क्रैश हुए प्लेन जैसी किसी चीज का मलबा मिला। लोगों के मुताबिक उन्हें साफ लग रहा था कि यह स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरी दुनिया से आया है। उन्होंने एलियन के शवों को भी देखने का दावा किया। हालांकि एयरफोर्स ने 1994 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मलबा प्रयोग में लाए जा रहे सर्विलांस वैलून्स का था। जो एलियन के शव बताए जा रहे थे वे वास्तव में डमीज थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार एलियन के धरती पर आने की इस घटना को छिपाना चाहती थी। नई दिल्ली 1951। भारत में सबसे पहले UFO देखने का मामला 15 मार्च 1951 में नजर में आया, जब सुबह 10:20 पर नई दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने सिगार के आकार की कोई चीज देखी जो करीब 100 फुट लंबी थी। UFO अचानक कुछ देर बाद आंखों से ओझल हो गया। वॉशिंगटन DC, जुलाई 1952। 1952 में अमेरिका की राजधानी के आसमान में लगातार कई अनजान चीजें उड़ती देखी गईं। वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रयू एयरफोर्स बेस के रेडार पर भी कई अजीबोगरीब चीजों के संकेत मिले। इसी साल एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक लॉन्च किया, जिससे आसमान में संभावित खतरे के बारे में जानकारी जुटाकर उसका एनालिसिस किया जा सके। एयरफोर्स के मेजर जनरल जॉन सैमफोर्ड ने जुलाई 1952 में इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि बाद में इस घटना को तापमान बढ़ने से जोड़ा गया। घटना के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए तर्क दिया गया कि गर्म हवा कभी कभी ऐसी सीलिंग तैयार कर देती है जिससे रेडार प्रभावित हो जाते हैं। कहा गया कि ऐसे में जमीन पर चलती कारें, टेलीफोन के खंभे जैसी चीजें हवा में हजार फुट ऊपर डिटेक्ट होने लगती हैं। हालांकि इस पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ। शिकागो नवंबर 2006। शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गेट C-17 के ऊपर कोई अनजान चीज उड़ती दिखाई दी। कुछ चश्मदीदों ने स्थानीय मीडिया से कहा कि वे इस बात से परेशान हैं कि ना तो सरकार और ना ही यूनाइटेड एयरलाइंस की ओर से आसमान में चमकीली चीजें देखे जाने की जांच की गई। टेक्सस जनवरी 2008। दर्जनों लोगों ने आसमान में एक बड़ी और चमकीली चीज को उड़ते हुए देखा। पास के दो एयरफोर्स बेस से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि इस क्षेत्र में उन्हें कोई भी प्लेन नहीं देखा है। ऐसे में आसमान में काफी नीचे उड़न तश्तरी जैसी चीज क्या थी, ये रहस्य बन गया। कोलकाता 2008।
29 अक्टूबर को पूर्वी कोलकाता में सुबह 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए किसी चमकती चीज को देखा गया। पहले इसका आकार गोलाकार दिखा, फिर ये तिकोना हुआ और फिर सीधी लाइन में बदल गया। ये चीज एक चमकदार रोशनी छोड़ती चली गई। इसे कई लोगों ने देखा। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस वीडियो को कई टीवी न्यूज चैनल्स ने भी चलाया। ये खबर वहां के लोकल न्यूज़पेपर में भी छपी। यरूशलम, January 2011। चश्मदीदों और 3 कैमरों में यरूशलम में डोम ऑफ रॉक के ऊपर एक चमकीली चीज दिखाई दी, जो बाद में तेजी से ऊपर की ओर जाती दिखी। इसराइल की टीवी स्टेशन की ओर से कहा गया कि यह किसी धोखे जैसा था। साल 2013। चेन्नई में मोगापियर के निवासियों ने 20 जून को रात 9 बजे के लगभग आकाश में नारंगी रंग में चमकती चीज देखी। इसे 23 जून को स्थानीय अखबारों ने भी छापा। साल 2014। 2014 में अहमदाबाद के पास आसमान में 26,300 फुट की ऊंचाई पर जेट एयरवेज की महिला पायलट महिमा चौधरी ने एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया। उसका दावा था कि ऑब्जेक्ट का रंग हरा और सफेद था। ये फ्लाइट पुणे से अहमदाबाद जा रही थी। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद रहा है, लेकिन दोनों देश कांगका ला पास के मामले में एक सी सोच रखते हैं। हालांकि दोनों देशों के सामान्य लोग बैन की वजह से वहां नहीं जा सकते। दरअसल कोंका दर्रे को यूएफओ बेस के नाम से जाना जाता है। इस पर लंबे अरसे से रिसर्च भी की जा रही है। भारतीय इस जगह को लद्दाख और चाइनीज जैसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जबकि बाकी दुनिया इसे एक निर्जन जगह के रूप में पहचानती है। यहाँ की खासियत ये भी है कि बॉर्डर होने के बावजूद यहाँ कोई पेट्रोलिंग नहीं होती। लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ यूएफओ यानी एलियंस का बेस है। यहाँ टूरिस्ट के जाने पर पाबंदी है। एलियंस हंटर्स की माने तो कई बार यहाँ के लोकल लोगों ने पहाड़ के ऊपर यूएफओ उड़ते देखा है। हालांकि जानकार इन बातों को नहीं मानते। उनके मुताबिक ये विवादित क्षेत्र बहुत ही दुर्गम और कठिनाइयों से भरा है, इसलिए यहाँ यूएफओ का बेस हो ही नहीं सकता। जबकि एलियन पर काम करने वाले कुछ रिसर्चर्स यहाँ मिले कुछ ऐसे चिन्हों को प्रमाण के तौर पर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एलियन यहाँ अपनी उड़नतश्तरी से आते जाते रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने उड़नतश्तरी देखे जाने के 12,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। दुनिया भर में चीन से लेकर अमेरिका तक ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें भी खींची। नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था। उनका यह भी कहना है कि हमारे इसी सौरमंडल में से एलियंस आते हैं। नासा का कहना है कि सौरमंडल में 4 जगहों पर संभावित जीवन हो सकता है, जिनमें मार्स के अलावा 3 उपग्रहों टाइटन, यूरोपा और एनसेलेडस पर जीवन की संभावना है। खास बात यह है कि ज्यादातर बार यूएफओ को अमेरिका में ही देखा गया। कुछ बार तो इन्हें ड्रोन बताकर खारिज भी कर दिया गया, पर कुछ ग्रहों पर एलियन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में रिसर्च लगातार जारी है और दूसरी दुनिया में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलियंस हमारी धरती पर आते रहते हैं या फिर लोगों का ये एक भ्रम है? कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।